फ्रेंड्स, तो हो चुके हैं हम लोग तैयार। और आज जो दिन में सस्पेंस डाल करके रखा था कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं, जम्मू। हाँ, जम्मू जा रहे हैं अभी। और अभी कितना टाइम हो रहा है? तो 11:10। यस, हाँ, 12:10 हो रहा है। 1 बजे हमारी ट्रेन है जम्मू के लिए, तो हम जम्मू जा रहे हैं। और ये उलेन सूट पहना है, उधर ठंड पड़ रही है ना, और एक ब्लैक स्वेटर पहना है तो ठंड नहीं लगेगी। इधर बाबू भी तैयार है और फुल ऑन सब शूज़ पहन के तैयार हैं, हमने भी शूज़ पहन लिया है। और इधर बॉय के तरफ से ये हमारा सरप्राइज हाँ, टूर है। और इधर अंकु, और ये इधर हमारा दो बैग लगेज लगेज है, एक छोटी सी ट्रॉली है, एक बाबू का बैग है बस। और हम लोगों ने सभी एक एक ड्रेस ही लिया है और ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। और पीयू हमारा पर्स भी ली हुई है। तो चलिए सब लोग, हम लोग तैयार हो चुके हैं। हम लोग 10 बजे खाना खा करके 1 घंटा आराम भी कर लिया है और अब चलते हैं। आपके साथ शेयर करूंगी जर्नी हमारा ट्रेन का कैसा रहा, फिर उसके आगे हम कहाँ जा रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहें, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। थोड़ा लाइट वगैरह बंद करके लॉक वगैरह करनी पड़ेगी, इसमें देखना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे। अच्छा, पहना नहीं है। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि हम लोग 2 इयर्स के बाद ट्रेन में बैठेंगे। पीयू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि 2 इयर्स के बाद वो ट्रेन में बैठने जा रही है। इस लॉकडाउन की वजह से हम लोग जा नहीं पाए, लेकिन अब जा रहे हैं। इस लॉकडाउन की वजह से ये लोग ट्रेन में नहीं बैठ पाए थे। लास्ट दिसंबर में जब हम गए थे तो अपनी कार से ही ट्रैवल किया था झारखंड के लिए, तो इसके वजह से हमने ट्रेन में सफ़र नहीं करी है लास्ट 2 इयर्स से। तो अभी हम लोग निकलते हैं, मिलती हूँ ट्रेन में। चलो, हम लोग अपने घर से स्टेशन के लिए अपनी ही कार से जा रहे हैं, और रेलवे स्टेशन में कार पार्किंग है, वहाँ पे हम अपने कार को पार्क कर देंगे और 2 दिनों तक हमारी कार रेलवे स्टेशन के पार्किंग में ही रहेगी। उसके बाद हम वहाँ से ट्रेन से जम्मू के लिए निकलेंगे। तो देखिए, स्टेशन आ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग खड़े हैं और हस्बैंड गए हैं कार पार्किंग के लिए। और ये देखिए, यहाँ पे आ नहीं रहा, यहाँ पे अमृतसर ऊपर में लिखा हुआ है, तो अच्छे से वीडियो शूट नहीं हो पा रही है लाइटिंग की वजह से। तो हम यहाँ पे खड़े हैं, उन्हीं का वेट कर रही हूँ। और ट्रेन आने में अभी आधे घंटे हैं, तो बस आधा घंटे के बाद बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर। घर के अंदर तो बिल्कुल नहीं लगती है, बट बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। ये सेकेंड एसी है, बट है पीली ट्रेन है। अमृतसर से जम्मू तभी जाने के लिए यही एक सिंगल ट्रेन है, तो हमें ये ट्रेन करना पड़ा, वरना फिर तो इससे भी ज़्यादा अच्छा होता। हाँ, तो ये सेकंड एसी है और बस हम लोग 4 हैं, 4 सीट लिया है हमने। हम 5 हैं। हाँ, हम 5 हैं लेकिन 4 सीट लिया है, बच्चों की हाफ हाफ टिकट लिया, 2 हाफ हाफ है और 3 जो है फुल है। ये दिमाग कौन खड़ा है कि बस नहीं चलना है? और उसने मम्मा को दिमाग कौन दिया था, वो तो नहीं है बताइए। नानी माँ, पीली ट्रेन में कभी मत जाना, जानती है। लाल ट्रेन में जाना, मैं आपको पहले ही बता दूंगा। देखो, कोई मंकी किंग बन रहा है। ऐसे नहीं बेटा, चलो मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो जम्मू से उतरने के बाद हमने कैब ली है, यहाँ से है 75 किलोमीटर्स है और हम जा रहे हैं वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। तो यहाँ से कटरा जाना है, तो जब आप न्यू दिल्ली से आते हैं तो डायरेक्ट कटरा के लिए ट्रेन है, बट अमृतसर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, बस चलती है। तो अभी बस वाली टाइम नहीं थी तो हम जम्मू तभी आ गए और अब हम कटरा के लिए ट्रैवल कर रहे हैं कैब से। तो यहाँ से कैब जो है 75 किलोमीटर जाने के लिए 1450 रुपीज़ लगे थे, 1450 रुपये लगे और हमें अच्छी वाली कैब मिल गई और हम 1.5-2 घंटे में कटरा पहुँच गए।
तो चलिए देखिए, रास्ता जो है बहुत ही घुमावदार था, क्योंकि हम धीरे धीरे पहाड़ी पहाड़ पे ही चढ़ रहे थे। इसके वजह से जो है एकदम आप देख सकते हैं कि एकदम ऊपर लग रहा है, एकदम हाईवे है, बट आप देख सकते हैं सीन तो लाजवाब है। आप देख सकते हैं बहुत ही इंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मतलब व्यू तो लाजवाब थी, बहुत मज़ा आया। मतलब थोड़ा सा सुबह सुबह है ना तो वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ रही थी, लेकिन अब हम कटरा पहुंच गए हैं, कैब को हमने छोड़ दिया और हम 2-3 घंटे के लिए यहाँ होटल करेंगे ताकि हम फ्रेश हो सकें। उसके बाद चढ़ाई करेंगे ऊपर देवी माँ के दर्शन के लिए, वैष्णो देवी के ऊपर चढ़ने के लिए। हम अभी 1-2 घंटे बाद पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। तो देखिए ब्रेकफास्ट वगैरह करके हमने फिर 10:30 हो रहा है और अब हम चढ़ाई करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ जो है खाना वगैरह उतनी अच्छी नहीं लगी, अभी होटल भी हमें बहुत अच्छा नहीं मिला, तो बस थोड़ा सा बच्चे जो हैं थक गए हैं, रात भर हमने जर्नी की सोए भी नहीं हम ठीक से। तो अभी जा रहे हैं और अब चढ़ाई करनी है तो उसी की ओर जा रहे हैं और देखते हैं कितना टाइम में हम पहुंच पाते हैं। सभी लोग बोलते हैं 7-8 आवर्स लगते हैं, तो हमें कितना टाइम लगा वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए मेरे साथ चलिए, क्या क्या है रास्ते में, क्या है नहीं है, सब कुछ इंजॉय करते हुए चलूँगी, आपको बताते हुए चलूँगी। तो हमने पैदल ही जाने की सोची है, चूँकि फ़र्स्ट टाइम है हमारा सभी का यहाँ आना, सिर्फ मेरे हस्बैंड जो वो थर्ड टाइम से आए हैं, ये तीसरा टाइम है जब वो यहाँ आए हैं, बट हम सबका फर्स्ट टाइम है। साइड से पियो, पैरों से लग जाएगा। बहुत मेहनत लग रही है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा चढ़ाई है ज़्यादा, इसलिए हम लोगों ने ये डंडा लिया हुआ है, थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगा, सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, फुल सिक्योरिटी है। चले हम लोग, बताइए 2.5-3 घंटे चलती है, 1.5 घंटा हम लोग चल तो चुके हैं और 2-2.5 किलोमीटर अभी हुआ है। बाबू और अंकू बहुत तेज चल रहा है, हम लोग पस्त हैं। मेरे को मन जाने का मन कर रहा है, बस मम्मा ही रोक रही। पीयू को अपने साथ साथ रख रहे, बीच में एक बार नींबू पानी भी पिया है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा। तो थोड़ी दूर चलने के बाद हम एक जगह रुके थे जहाँ पे भूख लग रही थी सबको, तो सैंडविच और थोड़ा सा जूस वगैरह पिया और थोड़ा सा सिकंजी वगैरह पिया ताकि थोड़ा सा एनर्जी मिल सके। तो वहीं से एक विंडो थी, वहीं से हमने व्यू लिया था। तो देखिए कितनी दूरी, मतलब ऊंचाई पे हम आ चुके हैं और देख करके यहाँ से व्यू अच्छी लग रही थी तो हमने वीडियो शूट कर लिया था। और यहाँ पे रास्ते में मंकीज बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स बैठ करके पी रहा है, ये जो भैया है उन्होंने दिया था और बहुत अच्छे से वो वीडियो शूट कर रहे थे और वो बहुत अच्छे से धीरे धीरे पी करके वीडियो शूट करवा रहा था, तो मैंने भी शूट कर ली। और ये देखिए टॉयलेट है, अंकु टॉयलेट गया है, तब तक हम लोग यहाँ पे खड़े हैं।
तब बाबू तुम थक गया? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं थका, मंजिल मिलने के बाद थकेगा। हाँ मंजिल एक बार सोच लिए तो फिर मंजिल पहुँचने के बाद ही। हाँ तो हम लोग आधा से अधिक रास्ता चल चुके हैं, 10 किलोमीटर मतलब चल चुके हैं, 5 किलोमीटर बचा हुआ है। हाँ 9 चल चुके हैं। हाँ जो मेन हार्ड रास्ता था वो चल चुके हैं, अब तो इस तरह से प्लेन रास्ता है, यहाँ पे घोड़ा भी नहीं जाता, तो घोड़ा के चलने से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है इंसान, अभी यहाँ पे ठीक है। तो आप धीरे धीरे यहाँ से हम लोग जाएंगे, देखते हैं कितने घंटों में पहुँचते हैं। हम लोगों को पहुंचते पहुंचते यहाँ पे रात हो गई, शाम के 7 बज गए, 10:30 बजे से 7 बजे तक हम चलते रहे हैं। और ये देखिए नाइट व्यू इस तरीके से का दिख रहा है, ये भैरवनाथ है जो सामने मैं ले रही हूँ, और मैं भवन माँ के भवन तक मैं हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये देखिए फिर से सुबह हो चुकी है और हम लोगों का दर्शन हो चुका है, और सुबह के यहाँ बज रहे हैं 7 और अभी तक यहाँ पे सूर्योदय नहीं हुई है, सूर्यास्त भी लेट होती है, सूर्योदय भी लेट होता है यहाँ पे हम लोगों के घर के मुताबिक। तो सुबह के 4 बजे ही हमने यहाँ पे दर्शन कर लिया था। और ये देखिए मैं आपके साथ व्यू शेयर कर रही हूँ कि पहाड़ों को काट करके यहाँ पे कैसे भवन बनाया गया है, धर्मशाला वगैरह इतना बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है और नीचे खाई, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छी आती है। यहाँ पे सूर्योदय 7 o'clock के बाद ही होता है, आप देख सकते हैं अभी तक सूर्योदय नहीं हुआ, 7:15 बज चुके हैं। हमने ब्लैंकेट ली हुई थी, यहाँ पे ब्लैंकेट सिस्टम है कि आप ले सकते हैं 100 रुपीज़ दे करके, मतलब एक ब्लैंकेट का दाम 100 रुपीज़, हमने 10 ब्लैंकेट लिया था और 1000 रुपीज़ दे करके, और यदि आप ब्लैंकेट को रिटर्न करते हैं तो आपको पैसे भी वापस मिल जाते हैं। तो हस्बैंड वहीं पे गए हुए हैं, बहुत लंबी लाइन है, 1.5-2 घंटे तो उनको वहीं पे लग गए, वहीं हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। और अब हम लोग यहाँ से नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं, दर्शन तो सुबह 4 बजे ही कर लिया था, सुबह 4 बजे काफ़ी भीड़ नहीं होती है, तो बच्चों के साथ सुबह 4 बजे ही हमें अच्छा लगा दर्शन करना, तो हमने कर लिया था। और उसके बाद अब हम लोग अब नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा पाँव बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मतलब बिल्कुल उठने के लिए तैयार नहीं है, जबकि नीचे जाना ज़्यादा आसान है, चढ़ना बहुत ही मुश्किल है। तो चढ़ तो लिया था बट हिम्मत करके, लेकिन नीचे जाने के लिए मेरा बिल्कुल पाँव बिल्कुल उठ नहीं रहा है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और इरिटेट भी हो रहे हैं, और भाई और हस्बैंड तो अभी भी नीचे उतरने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हम बिल्कुल मना कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा हरासमेंट होने के बाद उनको ऑफिस जाना मुश्किल हो जाएगा और भाई की भी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो फिर और भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए हमने डिसाइड किया सब मिल करके कि हम पालकी कर लेते हैं। तो पालकी जो है ठीक है, बहुत ही सेफ लगा मुझे, हॉर्स राइडिंग जो है वो थोड़ा सा हार्ड लगता है। और ये देखिए बीच में मैं बता दूँ, ये भैरवनाथ जाने के लिए रोप वाली कार चलती है, तो वही वाली यहाँ पे मैं शूटिंग करी थी, उसी के बीच में ये आ गई, तो आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ कि यदि आप भवन से और भैरवनाथ के लिए जाना चाहते हैं तो ये भी सेवा यहाँ पे उपलब्ध है। तो वही हम देखिए यहाँ पे पालकी कर लिए हैं और 4 पालकी किया है, 14,000 लगा है। तो आगे भाई है, बीच में मैं बैठ करके शूट कर रही हूँ, और अभी आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड बैठे हैं, और इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इन लोग चलने के लिए तैयार थे और मेरे कारण सभी यहाँ पे बैठ गए, और यहाँ अंकू और पीहू एक ही पालकी में दोनों बैठे हैं। तो ये सारी सुविधाएँ यहाँ हैं, यदि आप थक गए, आप चल नहीं सकते, आप लाचार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, तो आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, ट्रॉली है, पालकी है, घोड़ा है, और बैटरी कार वगैरह भी चलती है, और फ्लाइट की भी सुविधा है, मतलब हेलीकॉप्टर की भी सुविधा है, लेकिन उस सब के लिए बहुत ज़्यादा लाइनें होती है, सेटिंग्स बहुत ज़्यादा चलती है, तो आपको बहुत ईजिली नहीं मिलेगा, बट पालकी है, हॉर्सेज है, ये सब तो आपको ईजिली मिल जाता है। तो मुझे पालकी हॉर्स से ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पे भाई मेरा शर्मा रहा है, बोल रहा है तुम्हारे कारण यहाँ बैठे हैं, नहीं तो हम तो अभी भी चलने के लिए तैयार हैं। बोले नहीं बाबू, ज़्यादा नहीं हिम्मत करना है, चूँकि बीमार नहीं होना है, हम आए हैं यहाँ पे माँ के दर्शन के लिए, और खुशी खुशी हम अच्छे से चले जाए, यही मतलब टारगेट है।
तो देखिए ये लोग बहुत शर्मा रहे हैं कि अरे तुम्हारे कारण हम लोग यहाँ बैठ गए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा। चारों एक पालकी जो है आगे पीछे ही चल रही थी, और देखिए यहाँ से मैं बैठे बैठे ही आपके साथ शूट कर रही हूँ कि रास्ते में कितना सुंदर सुंदर। और ये देखिए यहाँ मालिश वाले भी बैठे हुए रहते हैं, मसाज जो आजकल मशीन वगैरह चली हुई है तो वो दुकानें हैं, तो इसलिए यदि किसी के पाँव में बीच में दर्द वगैरह हो रहा है तो मालिश वगैरह की सुविधा और मसाज वगैरह की सुविधा उपलब्ध है यहाँ पे। आप बैठ करके 15 मिनट में 30 रुपये लेते हैं, आराम से करवा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं करवाई, मैंने बहुत बड़ी गलती की, उसके वजह से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी। और ये देखिए बहुत अच्छी अच्छी दुकानें, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख करके, बहुत ही खुशनुमा माहौल है बीच के रास्ते में, और सभी लोग आते जाते रहते हैं, तो थकान तो होती है। जो स्वस्थ हैं थोड़ा प्रैक्टिस करके आए हुए हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन हमने तो कोई प्रैक्टिस नहीं की थी और 10 दिनों से घर के शिफ्टिंग में बिजी थे और फिर इधर आ गए। जैसे ही शिफ्टिंग पूरा कंप्लीट हुआ हमारा घर का, और वैसे ही हम वैष्णो देवी के लिए निकल पड़े, तो इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी थकान सी हो रही थी, लेकिन किसी न किसी तरह चले तो गए, बट उतरने के टाइम में ये पालकी कर लिया। तो बस आपके साथ भी यही शेयर करना था कि बहुत अच्छा लगा माँ के भवन में गए। और ये देखिए मेरा भाई यहाँ पे शूट कर रहा है, दीदी तुम्हारी हो ना, मैं शूट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, वही मैं हंस रही हूँ कि अच्छा तुम वीडियो बना रहे हो। तो इस तरह से हम लोग का जो है बहुत ही मस्ती भरा, बहुत ही अच्छे से दर्शन वगैरह हो गया। और रात में थोड़ी सी तकलीफ़ तो हुई थी, चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी और सैटरडे के दिन सभी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा, तो हमने भी सैटरडे के दिन ही हमने दर्शन किया, सैटरडे की सुबह के 4 बजे। तो यहाँ पे देखिए पीहू अंकु सभी यहाँ पे बैठे, मतलब यहाँ पे रोकी हुई है पालकी, तो सभी बीच बीच में रोक करके ना बहुत अच्छा लगता था, कुछ कुछ चीज़ें मिलती रहती है मिल करके खाना पीना, और अच्छा लगता है आपको घर से थोड़ा सा अलग माहौल और थोड़ा सा रूटीन से हट करके कुछ भी आप करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस बहुत अच्छा लगा, और आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा कमेंट करके, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए मिलती हूँ आपको अब नीचे उतरने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं नीचे, ऊपर रात को ही दर्शन, मतलब सुबह 4 बजे है, सुबह में हम लोग ने दर्शन किया और उसके बाद हम लोग आ गए हैं नीचे, और पालकी के थ्रू आए हैं, चूँकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था और बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, चूँकि कल हम लोग चल कर के ही गए थे, तो इस चक्कर में आज जो है हम लोग सब 4 पालकी किए, जिसमें अंकु पीहू एक में है, एक में मेरा भाई है, एक में मेरे हस्बैंड, और एक में मैं अकेली हूँ। तो इस तरीके से हम लोग पालकी के थ्रू आए, और कल मैं सीढ़ी के थ्रू चली गई थी, जिसके वजह से मेरा ना पेट में दर्द होने लगा था, तो मैं थोड़ा सा हॉर्स वाला सवारी भी की, बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं हॉर्स की सवारी की थी, करीब 2-3 किलोमीटर्स किया होगा, और इतनी चढ़ाई है ना, तो बहुत प्रिकॉशन के साथ मैं और मेरी पीहू दोनों मिल करके गए थे। तो चलिए मिलूँगी मैं आपसे थोड़ी देर में, अभी थोड़ी देर विश्राम के लिए रुके हैं, आराम करने के लिए, और फिर 5 मिनट के बाद हम लोग निकलेंगे। तो देखिए यहाँ से कटरा में हमने एक होटल ले लिया, चूँकि बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, रात को भी अच्छे से सो नहीं पाए थे, तो इसकी वजह से हमने एक होटल ले लिया, और रात के 10:30 बजे हमारा बस है अमृतसर के लिए, डायरेक्ट यहाँ से ट्रेन नहीं जाती है, आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर अभी हम लोग खाना खाने के बाद आ गए हैं होटल में, और यहाँ पर अभी सोएंगे, और ये थोड़ी सी पिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वहाँ पर जो स्टूडियो वगैरह होते हैं ना, वो कश्मीरी ड्रेस वगैरह पहना करके फ़ोटो वगैरह लेते हैं, तो पीहू अंकु हम सभी मिल करके हमने ली है, और मिनिएचर एक ना देवी माँ का भी रखा हुआ था, मतलब वैष्णो देवी माता का भी वहाँ पे मिनिएचर बना हुआ था, तो देखिए हमने ये पिक यहाँ पे खिंचवाई है सभी मिल करके, और बाबू बोला नहीं मैं अकेले नहीं खिंचवाऊँगा, तो हम लोग हंस रहे थे कि कोई नहीं अब मेरी छोटी भाभी आएगी उसके साथ ही तुम खिंचवाना। और ये देखिए यहाँ पे अंकु पीहू और मैं सब लोग मिल करके यहाँ फ़ोटो वगैरह खिंचवाएं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा, और अभी मैं यहीं पर एंड करती हूँ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, इसकी वजह से मैं 2 पार्ट में कर सकती थी, लेकिन एक ही पार्ट मैंने किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।